और मंच पर बैठे तमाम संत महापुरुषों, सत्संग समारोह लोग उपस्थित, देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, साहेब कबीर, तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं कि झगड़ाए बरो राजा राम जो निरुआरे सो निर्वाण ब्रह्म बराखी जहमा से आया वेद बराखी जिन उपजाया ई मन बरा कि जही मन माना राम बराकी राम ही जान भरनी भरनी कबीरा फिर उदास तीरथ बराकी तीर्थ के दास इस धरती तल पर चार प्रकार के प्राण निवास करते हैं जिसे हम परोक्ष रूप से चौरासी कहते हैं। चौ माने चार और रासी माने खान, अंडक, पिंड, उष्मक और मन, यही चार। अब इनकी निश्चित जनसंख्या क्या है किसी को मालूम नहीं, मूल रूप से ही चार ये चार खानी में सबसे श्रेष्ठ सबसे उच्च श्रेणी कौन है खानी मनुष्य। आप मनुष्य को सदगुरु कभी राजा करके पुकारते हैं कि वो राजा इस धरती तल के राजा तुम ही मालिक, तुम जैसा चाहो वैसा। अगर निर्दयी बनते हो तो सारे जीव का खात्मा हो जाएगा, अगर दयालु बनते हो तो सब चलेगा। साहब कबीर कहते हैं कि वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। झगड़ा क्या है? बुद्ध को छोड़कर कबीर को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हुए, जितने धर्माधिकारी लोग हुए, जितने धर्म के ठेकेदार लोग हुए, जितने धर्म के प्रवर्तक लोग हुए, वो जीव मात्र से अलग, मानव मात्र से अलग, वो परोक्ष में ईश्वर की सत्ता कायम किया। परोक्ष में एक ईश्वर बैठा हुआ है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, उसी के हेलो 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 उसी के कृपा से अति वृष्टि अनावृष्टि उसी के कृपा से ऋतु परिवर्तन उसी के कृपा से माल मवेशी उसी के कृपा से खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार नौकरी चाकरी बेटा बेटी का विवाह शादी माने धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष ईश्वर की कृपा से। और वो ईश्वर कैसा है? सर्वत्र एक तिल खाली नहीं है ईश्वर से, वो हर जगह है। तब तो लगता है ईश्वर जैसे आलय में भी होगा, दारू के भट्टी में भी होगा, बकरा कटाता है गाय कटाती है वहां भी होगा,
दलाली में भी होगा, क्योंकि सर्वत्र एक तेल खाली नहीं, उसके कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। सारा कुकर्म कराने वाला वही ईश्वर, ईश्वर सर्वत्र और ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर सब जानता है। इसका मतलब जान के भगवान राम अपने पत्नी का अपहरण करवा ले, वो तो जानते थे, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले। मोबाइल को भी बंद कीजिए, ईश्वर सर्वत्र, ईश्वर सर्वज्ञ, ईश्वर सर्वशक्तिमान, बहुत ताकतवर, ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, बहुत गुणवान, ईश्वर सर्वेश्वर सबसे ऊपर, ईश्वर सर्वव्यापक, ईश्वर सर्वांतर्जामी, ईश्वर सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। साहब कबीर ने इस पर संकार रखा, क्या कहा? ब्रह्म बराकी जहां से आया, ब्रह्म माने होता है श्रेष्ठ, ऊंच, पूज्य, हाई, जिसको परमात्मा कहिए, खुदा को। साहब कबीर कहते हैं कि ऊपर में परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आवाज कहां से आई? ऊपर में परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है, यह आवाज कहां से आई? आकाश से, आत्मा की। तब बोलिए, आत्मा बड़ा की आवाज, आवाज देने वाला बड़ा की आवाज बड़ा। साउंड ऑफ द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इट ओम साउंड ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल चलचल की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत है की आवाज, समुद्र न हो तो आवाज कहां से? अगर मनुष्य नहीं होता, इस काया के अंदर आत्मा नहीं होता, तो सारे आवाज कहां से आते? साहब कबीर ने कहा, शब्द कहां से उठा तू है, कहां जाए समाए, हाथ पाव वाको नहीं तो कैसे पकड़ा गया? शब्द ना भी कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पाव वाको नहीं तो सूरत से पकड़ा गया। जितने भी मंत्र हैं दुनिया के अंदर, वो कहां से आया? वेद कहां से आया? पुराण कहां से आया? गीता कहां से आई? फिजिक्स केमिस्ट्री कहां से आया? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कहां से आया? हिस्ट्री ज्योग्राफी कहां से आया? इकोनॉमिक्स फिजिक्स कहां से आया? हिंदी संस्कृत कहां से आया? अब बोले ना कोई बोलने वाले, सनातनी कोई बोले ना कि सनातन कहां है? जितना भी कोर्स का किताब और जितने भी धर्म के ग्रंथ लिखे गए सब इसी आत्मा की आवाज, लिखने वाला वाला ही है। सब मालिक हो गया, कबीर साहब बीजक से कहते हैं, शब्द हमारा, तू शब्द का, अरे शब्द हमारा गुलाम है, दुनिया वाला सब सब जाप कर रहा है, नाम 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 लेने वाला तो जेल में खिचड़ी खा रहा है, नाम दान लेते लेते धर्म गुरु सब बोलो तनिए बेईमान नहीं है, बहुत बेईमान लोग, नाम दान देता है, रुपया लेता है, नाम जब बात आता है, और नाम आया कहां? सब सब नाभि कमल से निकला, आया ऊपर, और ऊपर ये कंठ है, क ख ग घ ञ, ये कंठ बोल दिया क ख ग घ ञ, लेकिन च च ज 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
बिना तारू के सहायता से नहीं बोला जाएगा, दोनों होंठ के बिना सहायता से नहीं। सारे शब्द का वर्गीकरण करने का औजार भी गर्दन से ऊपर है, आवाज आया अंदर से, इसी से सारे ग्रंथ किताब जो भी लिखा है सब का लिखा है। अब बताइए वेद बड़ा कि आप बड़े, तो वेद को मालिक कैसे बन के मना लिया, लाज जला लिया, अब बिना कहने गुंतरी लेके गर्दन में रख लिया, तो सारा गुलाम है। ये सारे गुलाम बैठे हैं, पंडित के गुलाम और वेद के गुलाम बैठे हैं। साहब का वेद ने कहा नर पशु, गुरु पशु, वेद पशु, त्रिया पशु, संसार कहे कबीर वे न पशु जाके सब गुलाम, गुलाम सब गुलामी में लगे हैं। वेद के गुलाम है ब्राह्मण, कबीर पंक्ति बन के क्या होगा? कबीर पंक्ति बनते हैं, साहेब बनी साहेब बनी करते हैं। अब बेटा के ब्याह में ओकरे बोला के लिए, माय के श्राद्ध में ओकरे बोला के लिए, ये सुधरने देगा कबीर पंक्ति? हवन करते हैं घी हो मा जरा, जबकि ऑल इन ऑल आप मालिक, आपके सिवा कोई और नहीं। नाल बड़ा है कि नाल बजाने वाला, करता बड़ा कि करम बड़ा? आज कर्ता कर्म के पीछे पड़ा हुआ है। साहब कबीर कहते हैं चूल्हा ऊपर तावा ऊपर चूल्हा चढ़ाए और पका बना भर के रोटी एक एक, नौका डूबे सिर उपलाय मछली धई के बगुलवे के, लोग बा कोई न पतियाए भगवा के बच्चा के बकरिया में ले जाए। शब्द का मालिक तो आप, आप, आप सारे शब्द अगर पूरे विश्व का आदमी अभी मर जाए सब, तो एक भी ग्रंथ ग्रंथ ना बन जाए, एक भी जाप बंद बन जाए, क्योंकि जाप कौन जपे? नाम आएगा कहां से? जोगिंदर महेंद्र रजिंदर कहां से आए? सीता रीता गीता नाम कहां से आए? कबीर साहब कहते हैं पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रचा मैं की, मैं तो ही पूछो पंडिता सब्द बड़ा की जी, पहले जीव की पहले सब। कहीं भजन नहीं है, कहीं भक्ति नहीं है, ये रार चल रहा है केवल रार। हिंदू रड़पाना कर रहा है, उस दिन जो राम जन्म जन्म के दिन जो आप लोग झंडा भाजे थे किसको पुरा रहे थे? मुसलमान के आप भक्ति कर रहे थे, मुक्ति के रास्ता खोल रहे थे, भजन हो रहा था। एक राम के 56 करोड़ जहां देवता है, एक घर में 20 आदमी का 20 आदमी हो, एक आदमी को भोजन मिले 19 के न मिले, तो घर रहेगा कि चलेगा? एक राम का जन्म बना लिए, कृष्ण कहां गए? ब्रह्मा कहां गए? विष्णु किधर गए? महादेव कहां गए? काली किधर गई? दुर्गा किधर गई? सरस्वती किधर गई? शोखा किधर गए? कारी किधर गए? अपना नाना क्या? अभी अगर मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू बता देता है, बता देता है ये चल रहा है कि इसका मस्जिद किसी तरह से चल जाए, ये तो हो सके तो पेट्रोल मार मार आ हिंदू के मंदिर में आग लगे तो मुसलमान बता देगा क्या? और पेट्रोल तो हिंदू जल रहा है मुसलमान से, मुसलमान जल रहा है हिंदू से, एक एक मुसलमान मुसलमानी पूरा पैर पैर। आप मुसलमान गांव में पता कर लीजिए, एक भी बच्चा का पैर पश्चिम की ओर नहीं उठेगा। तो आपके पुरवरिया भगवान ठनका गिरल है, देखो को मियां को कुछ किया आज तक के, वो पूरा भूल के पैखाना करता है, पेशाब पूरा भूल के करता है, आप राम के ठनका ले लेते हैं। हम लोग गाय के गोबर की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और गाय काट काट के आपसे कमजोरो है कि आपसे कमजोर है मुसलमान? किधर गया आपका धर्म? मुसलमान में एससी एसटी नहीं है,
कहीं रिजर्वेशन कंस्टिट्यूएंसी है, मुखिया सरपंच या एमएलए एमपी कहीं देखे हैं मियां को खड़ा होते हुए? आपके भोला के राम के वंश में दलित रहा है गरीब जो एससी एसटी कोटा में जाके चुनाव लड़ा है, उसमें केवल अति पिछड़ा से शुरू है मुसलमान, उसमें ये नहीं है एससी एसटी। ककर भगवान में ताकत ज्यादा है आप में कि उसमें? आज मुसलमान का पैखाना हिंदू साफ करता है ट्रेन में, उसमें नहीं है मेस्ता पैखाना साफ करने वाला? आप उससे ऊंच है कि नहीं? अल्लाह में ज्यादा ताकत है कि राम नाम में? पहले मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता तो हमारे हिंदू के औरत रविदास की पत्नी जाती थी उसके सेवा में, वो भी आई है आपके यहाँ? उस मुसलमान का दाढ़ी आपका हजाम बना देता है, उसका कपड़ा आपका धोबी धो देता है, उसका पैखाना आपका मेस्तर साफ करता है, आप कौन चीज में उससे ऊंचा हैं? अपना भक्ति ले ले दौड़ लगा रहे हैं कि हम ये सबसे आगे हैं। नियम दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक नियम अविरात्री है, तो केवल हिंदू के लिए नहीं मुसलमानों के लिए अविरात्री है, सिख ईसाई सब के लिए। प्रकृति ने अपने नियम में कोई तरफ से हानि नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की, आपने बेईमानी किया नियम। अगर अभी बारिश शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं कि मुसलमान के खेत में नहीं बारिश होगी, केवल हिंदू के खेत में। अभी पुरबैया हवा चल दे तो सब के लिए, पछिया हवा चले तो सब के लिए, ठनका गिरे तो सब के लिए, बिजली गिरे तो सब के लिए, पत्थर गिरे तो सब के लिए, आंधी आए तो सब के लिए, तूफान आए तो सब के लिए, बाढ़ आए तो सब के लिए, अगलगी हो तो सब के लिए। प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया। जैसे मुसलमान माँ के गर्भ से आया वैसे हिंदू आया, वैसे सिख आया वैसे ईसाई आया, मरेंगे भी एक समान सब कुछ। ऐसा नहीं है कि हिंदू के दरवाजे पर आम मंजर दे दिया, मुसलमान के दरवाजे पर ऐसा नहीं कि हिंदू के दरवाजे पर से गाय दूध देती है, मुसलमान के दरवाजे पर के गाय दूध नहीं देती। प्रकृति ने अपने आप से हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, उसने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया। बेईमानी करने वाले लोग, बेईमानी करने वाले लोग, बच्चा जन्म लिया तो बाप ब्राह्मण नौवा को बुला के मुंडन करा के बेटा को एगो टिकी चुड़वा के बाद हिंदू बना, मुसलमान मौलवी को बुला के अकेलत करा के बेटा को मुसलमान बना, सिख गुरु को बुला के पंच कटार करा के अपने बेटा को सिख बना दिया, ईसाई अपने बेटा को प्रतिष्मा करा करा के, हिंदू प्रकृति इंसान को पैदा किया, यहाँ के लोगों ने उस इंसान को शैतान बना के छोड़ दिया। हिंदू बनना कोई इंसानियत नहीं, शैतानी। अब मुसलमान बनना भी शैतानी है, सिख बनना भी शैतानी है, और ईसाई बनना भी शैतानी है, इंसान बनना इंसान। साहब कबीर ने कहा जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया, अगर तू वास्तव में मुसलमान है तो पेट ही का ही ना सुन्नत कराया, तो माँ के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ? अल्लाह क्यों नहीं सुन्नत करा के भेजा? और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह तक काहे ना है? अगर तू ब्राह्मण चार वर्ण के राजा हो तो जिस रास्ते से वैश्य शूद्र आया उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग अलग होना चाहिए आने के लिए। कौन धर्म है? साहब कबीर ने कहा पक्षा पक्षी के कार्य ने सब जग रहा प्राण, निरपक्ष हो के जो भजे सो ही संत। अब राम के भजने वाले आगे हो गए कि रहमान के भजने वाले आगे कौन है? कहोगे मुसलमान मुसलमान आपके खेत में बनिहारी करने आती है, हिंदू का जो एससी एसटी के लोग हैं वो मुसलमान के खेत में बैठा रहते हैं बनिहारी करने के लिए। हम तो देखे उसका तजिया ढोते हैं, एससी एसटी के लोग उसका तजिया ढोते हैं, उसमें जाके ढोल बजाते हैं। झूठ बात है। आप राम के झंडा भाग रहे हैं, हिंदू हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बंधु
जब इबाद साहब कबीर बोले तो सारे लोग सदगुरु कबीर को घेर लिया और कहा कि वेद में ऐसा लिखा है कि भगवान परोक्ष में है। तो साहब कबीर दूसरा संकल्प वेद बरा की जिन उपजाया, वेद बड़ा है कि वेद का राइटर राइटर कौन है? यही आई। अब इसकी समझदारी जितनी आई उतना लिख लिया तो मान ले। हमारे गुरु जी आचार्य सिद्धांत स्वरूप साहब कहते थे लिखने वाला स्वतंत्र है, लिख दिया तो पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बनना होगा। अगर पढ़ने वाले की बुद्धि अगर सुधरने लगी है तो गलती गलती सब। अभी रामदास साहब बोल रहे थे राजा सगर की पत्नी से 60,000 बेटा हुआ एक बार, मान लीजिए। हनुमान जी सूरज को निगल गए तो मान लीजिए। कबीर ने तो कहा क्षेत्र बांध के पार गए सीता के भतार, ताहि अगस्त में अच गयो इनमें को करता रे। ए दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के पति राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है अगस्त मुनि एक चेवा में उठा के संगेंद्र को पी गया। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चेरुआ में पीने वाला बड़ा, कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा? पीने वाले का पूजा कौन कर रहा है? पुल वाले के पीछे। जब भारत के प्रधानमंत्री पुल वाले के पीछे और कौन और किसकी बात की? कहा गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमान, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे, इनमें को भगवान। गोवर्धन उठाने वाले बड़े कि धौला गिरी उठाने वाले बड़े कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाले बड़े, तीनों में कौन बड़ा? तो उसको कौन पूछता है? गोवर्धन वाले के पीछे, धौलागिरी वाले के पीछे। साहब कबीर कहते हैं काटो बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तुम्हें पूछो पंडिता गरुर बड़ा गिरा। राम जब नाग फांस में बधे तो काटा कौन? तो गरुर बड़े कि राम बड़े? कहां से सैद्धांतिक बात 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 जब इतना बात साहब कबीर बोले, फिर कबीर को घेर लिया लोगों ने, कहा कि नहीं वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर कहे ई मन बरा कि जही मन माना, किसी चीज को मानता कौन है? अभी रामदास साहब इसी की चर्चा चोर साहू के कर रहे हैं। मानने वाला कौन है? मन 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 किसी बात को मानता है। तो आपका मन वेद को अनादि मान लिया तो मुसलमानों कहता है हमारा कुरान अल्लाह भेजा है, आप भी कहते हैं हमारा वेद ब्रह्मा का दिया हुआ अनादि है, तो मुसलमान से पूछे तोरे अल्लाह ऊपर में प्रेस बैठाया है छाप छाप के गिराता है, आपके मानने से आपका ग्रंथ अनादि तो नहीं हो जाए? मन मान लिया, काया पर मन है, आत्मा निकल जाए तो मन रहेगा गिना गिना तो आत्मा रहेगा, काहे लेके जला दिया जाते हैं? मन तो ही है, आत्मे ना निकल गया उसको रहने दी, मन है तो उसको रहने दी, मतलब मन को जलाते क्यों? आत्मा की सत्ता से मन, आत्मा न है तो मन कहाँ? फिर बात कट गया। तब सब लोगों ने कहा गुरुजी राम को हम लोग अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते। तो साहब कबीर कहे ई मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना,
राम बड़े हैं कि राम को जानने वाला बड़ा है। तो फिर अमेरिका में राम को जानने वाला नहीं है, कोई वर्चस्व है क्या? रूस में है क्या? चीन में है क्या? ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में है क्या? लंका में है क्या? सऊदी अरब में है क्या? जहां कबीर पंथी न हो तो कबीर साहब की मर्यादा क्या रहेगा? तो राम बड़े कि राम के मानने वाले, मानने वाले बड़े, यही है मानने वाले। सबका बात बाल कर गया, सब भाग गया साहब कबीर के नीचे। अंत में सदगुरु कबीर कहे, भरनी भरनी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बराकी तीरथ के दास। अभी हमारे प्रभु भगत जी, हम तो नहीं कहें भगत जी, प्रभु साहेब जी, प्रभु साहेब जी पंडाल लगवा दिए, मंच लगवा दिए, साउंड लगवा दिए, मरकरी जलवा दिए, चावल दाल आ गया, सेव संतरा अनारस बेदाना आ गया, दही भी देखे हैं, चीनी भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये भक्त लोग नहीं आते और आप लोग श्रोता नहीं आते तो तीर्थ लग जाता है। किसके आने से तीर्थ लगा? आप ही लोग तो युक्त हैं, आपके आने से तीर्थ लगा। कबीर साहब कहे, तीर्थ बड़ा नहीं, तीर्थ के दास। दास आया तो तीर्थ लगा, कुछ देर में दास पंगत करके चले जाएंगे अपने अपने घर, अब वक्ता भी अपने आसन पर जाएंगे। तीर्थ अब बोलिए भगवान कहाँ है? मैं नियम की बात कर रहा था। इस सारे लोग नियम बना बना के फंसे हैं। सनातन सनातन यही जीव है, था है और है। सनातन कोई धर्म नहीं, और धर्म कहते किसे? वाटी रिलीजन। धर्म क्या है? धर्म किसे कहा है? धर्म रामानंदी है कि कबीर पंथी है, आर समाज है कि आनंद मार्ग है कि यात्री परिवार है, कि जय गुरुदेव है कि बाल जुगेश्वर, सदा फल देव जी है कि कौन है धर्म? धर्म किसको कहा गया? जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं, और जिसे मन वचन और आचरण पवित्र हो जाए उसे हम धर्म कहते हैं। शास्त्रों में बोलचाल नहीं है, अच्छा छठ जितिया चल रहा, मरी कौन धर्म है पता नहीं चाहिए। करवा चौथ हो रहा है, कर्मा धर्म हो रहा है, गंगा जमुना स्नान हो रहा है, अब पति से बोल चाल, सास से बोल चाल, ये सब कौन धर्म है? इसको कौन नाम रखा धर्म? जिस दिन से आप धर्म करना मात्र शुरू करेंगे, उस दिन से क्या होगा मालूम है? मन वचन और आचरण तीनों आपका सही है, सुख आ जाएगा आपके जीवन। आप तो धर्म करके बैनार धाम से आते हैं, अब पुलिस की गाड़ी आपके पीछे रहती है, डांड में रस्सा लगाया, कमरों नहीं रख पाया, कौन धर्म करके आए? धर्म वाले के पीछे पुलिस लगी रहती है, धर्म वाले को कचहरी करना पड़ता है, धर्म वाले को थूक चाटना पड़ता है, डंटा खाना पड़ता है, कांधा का उठ बैठ करना पड़ता है। धर्म को लोग मजाक समझा ना, मानिए नहीं, ये मंच मानने का नहीं है, ये मंच जानने का। मैं भी कहता हूं मेरे बातों को कोई याद ही मत मानने की, कोई जरूरत नहीं है, जान जान ये मंच विश्वास का नहीं है, विचार चार ये मंच अनुमान का नहीं है, अनुमान का ये मंच अंधश्रद्धा का नहीं है, संतान का
और हमारा दीवान लिखा आई कीप सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन दैट टॉट मी ऑल आई नो, मैं कुछ नहीं जानता और अपने पास छह कर्ता पलायन ईमानदार व्यक्ति को रखता हूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा इन्होंने ही सिखाया और इनके नाम है देयर नेम्स आर व्हाट व्हाई हू व्हेन वेयर एंड हाउ, इनके नाम हम क्या कौन कहां क्यों कब और कैसे। ये संख्या मानव के अंदर आवे तो इनके जीवन की गाड़ी गंतव्य पर पहुंच जाए, लेकिन संख्या नहीं है तो अंधश्रद्धा में लोग घूम रहे हैं। कोई पत्थर के पूजा करते हैं, कोई पानी के, कोई अग्नि के, कोई आकाश के, कोई धरती के, कोई सूर्य के, कोई चंद्रमा के पूजा में जाने जाते हैं। चेतन जीव जड़ प्रकृति का पूजा कर रहा है, इतना ज्ञान चेतन जीव जड़ प्रकृति का पूजा कर रहा है। इस पर जरा विचार किया जाए बंधु, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति है। अगर कोई बहु सास को गाली दे रही है तो अगल बगल की महिला उसे डांटती है, ऐ दुल्हन तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना, ये है धर्म। मंदिर जाना धर्म नहीं, सास को बहू गाली न दे ये धर्म। बेटा पिता को न मारे या न गाली दे दे तो ये बेटा का धर्म। भाभो भैंसुर को गाली न दे ये भाभो का धर्म है, भैंसुर भाभो पर हाथ न छोड़े ये भैंसुर का धर्म। मंदिर जाना कौन कहा धर्म है, मंदिर जाने वाले तो बकरी पछाड़ के काट के, मंदिर जाने वाले तो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खैनी खाते हैं, दलाली मारते हैं, घूस खाते हैं, डंटी मारते हैं। मंदिर जाना तो धर्म नहीं है, देखा आडंबर है। आज तक 68 वर्ष का मेरा उम्र हो गया, आज तक मंदिर का मुंह मैं नहीं देखा। कोई कह दे, किसी से पूछ लीजिए कि रामाशंकर साहब को कभी देखे हो मंदिर जाते हुए, मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने किया, कभी सरस्वती की मूर्ति को मैं प्रणाम किया था, कभी नहीं। अपने धर्म पर रहिए, अपने नेचर पर रहिए, अपने गुण पर रहिए, अपने स्वभाव पर। आपका नेचर ही आपका धर्म, आपका स्वभाव ही आपका धर्म है। मंदिर जाना धर्म नहीं, मस्जिद जाना धर्म नहीं, गिरजा जाना धर्म नहीं, गुरुद्वारा जाना धर्म नहीं, बैद्यनाथ जगन्नाथ भूतनाथ विश्वनाथ जाना धर्म नहीं है, और गंगा जमुना में नहाना धर्म नहीं। ये नहाने वाली महिला 700-500 गाड़ी देती है गंगा नहा के आती है, पति को रे कहती है, पति को कहती है बजर बजर थोड़ा देख, तो मरबे कहिया के तो और धुआं देखो गंगा नहा के आई है, धर्म हो गए। धर्म हो गया काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन जाना धर्म हो गया, तो जाने वाले मांस खाते हैं मछली खाते हैं, छठ चंदा होली दिवाली करना जितिया करना धर्म हो गया, पारण के दिन महिला सब मछली मंगा के मांस मंगा के खाती है, धर्म तो स्वभाव, धर्म तो नेचर, धर्म तो गुण। मंदिर जाता है बेईमान, जो बेईमानी किया है मंदिर जाएगा अपना पाप कटाने के लिए, मंदिर जाएगा चोर चोरी किया है जाएगा मंदिर, दूध में पानी मिलाया है तो मंदिर में जाएगा तो पाप कहाँ कटेगा, आटा में चोकर मिलाया है, घी में डलडा मिलाया है, चावल में कंकड़ मिलाया है तो कहाँ जाएगा, सत्संग में आएगा, एक मिनट गुंजाइश लगेगा उसको सत्संग में, उसको तो मंदिर जाना होगा पाप कटाने के लिए। अब उसकी हम लोग क्यों जाएंगे मंदिर में, पाप नहीं करते जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आदमी को
भंडारा करना था, भंडारों में लोग गड़बड़ी करते हैं। तो चेला को कहा कि चले जाओ मंसूरपुर बाजार, एक किलो कौन दाना होता है लावा के जैसे, हाँ ले आओ आज सत्संग है, संत लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। तो चेला गया बाजार, दुकानदार को दिया 100 रुपया, एक किलो दीजिए दाना। तो दुकानदार के बेचारा गिरा तो रुपया पेटी में गिराया, ऐसे ऐसे किलो को टोने ये बूझ गया इसमें नहीं सुन रहा, बस तराजू पर दो किलो। अब दो किलो तौलवाल मोटरी हो गया डबल, लेके आया तो गुरु जी पूछा रे कितना लिया है, दो किलो हम कहे थे एक किलो लेने के लिए पैसा बचा के ला लिया, संत लोगों को विदाई दिया, दो किलो क्यों लिया, ये कहता है कोनो पैसा लगा लगी। दुकानदार मांगे रहे थे उन्हें के लिए किलो वाले वाले तो गुरु महाराज का है कि जोरे बोले बाबू जब रतौनिया ढेर रही तो 10 किलो बाद आता था। क्या धर्म होगा आदमी का स्वभाव ठीक नहीं हो रहा है, धर्म तो दिखावा बन के रह गया, बस मंदिर थरिया पीटिए ढोलक पीटिए हारमोनियम बजाइए यही धर्म, खूब नाचिए गाइए। अब तो कबीर पंथी सब कबीर साहब को नचा रहा है, कबीर लीला करवा रहा है, अब बाकी क्या रह गया, तो सब कुछ धर्म के नाम पर क्या क्या आडंबर, कब कब जानकी का अपहरण हुआ रावण रावण गया, लेकिन पेट पालने के चलते आज भी जानकी का हरण राम राम करवाया जा रहा है। किसी के किसी की बेटी अगर भाग जाए अब बार बार उसको जाके कहिए कियो तोरे बेटी ने भाग गयो, अगर बस चलेगा ना तो वहां से क्या वहीं पीट पीट आए, जानकी का अपहरण हुआ आज तक अपहरण दिखाया जा रहा है और उससे पैसा काट के फिर चला जा रहा है। बड़ा है ना राम लीला में आई की है यो आई सीता के हरण, बंधु धर्म पर आज तक ये धरती चल पड़के व्यक्ति नहीं वस्तु भी धर्म पर ये माइक अपने धर्म का पालन कर रहा है, आवाज खींच के साउंड बॉक्स और हॉर्न को ले रहा है, और हॉर्न भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, आवाज गांव गांव को ले रहा है, वो होले आयोजन अपने धर्म का पालन कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, ये मोबाइल अपने धर्म का पालन कर रहा है, अमेरिका इन दिन अमेरिका से एक आदमी हमसे बात किया, हम तो काट दिए 12 बजे रात में किया, हमको नींद लगी थी एक बार तो हम काट दिए फिर किया उठाए कहां से बोल रहे हैं बाबा हम अमेरिका से बोल रहे हैं, क्या नाम है तो रुपिंदर सिंह नाम था, घर कहां है आपका तो घर तो मेरा था पंजाब में गुड़गांव, गुड़गांव कोर्ट में मैं वकालत करता था, लेकिन ऐसा संयोग बन गया तो मैं अमेरिका में होटल का मालिक हूं, होटल चला रहा हूं, तो क्या कहना है 12 बजे रात में, कहा कि अभी तो हमारे यहाँ सवेरा हो रहा है आपके यहाँ रात हो रहा है, अब सवेरा होने वाला है भोर हो चुका है 4 बज रहा है, हम लोग घूम रहे हैं तब आपके यहाँ काम किए, क्या कहना है। अरे पहले तो हम रामपाल के शिष्य थे, उसमें हमको गड़बड़ी लगा तो हट गए, तो फिर हम अपने पंथ सीख में पंथ कटा रहे, और आपका प्रवचन मोबाइल पर सुने हैं बड़ा अच्छा लगा, जितना खर्चा लगे वीजा बनवा के अमेरिका आइए सब खर्चा हम दे देंगे, हम कि हमारा उम्र अब अमेरिका जाने वाला नहीं है, आप जरूरी समझते हैं तो आ जाओ आप भेंट कर, तब हम मोबाइल
एक बार एक आदमी सऊदी अरब से बात किया, एक बार एक आदमी हमास से बात किया, एक हमास से। तो क्या कह रहे थे? धर्म परम, धर्म पर चलिए। धर्म क्या है हमारा? धर्म हमारा है माँ की सेवा करना, माँ से बड़ा देवता इसलिए बनने, माँ के बेटे से सारे लोग आए। माँ नहीं होती तो प्रधानमंत्री कहाँ से आते, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री। माँ नहीं होती तो इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर कहाँ से आते। माँ नहीं होती तो आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, दरोगा, इंस्पेक्टर कहाँ से आते। माँ नहीं आती तो सीओ, बीडीओ, एसडीओ कहाँ से आते। माँ नहीं होती तो गुरु जेला कहाँ से आते। सबका श्रेय माँ है, माँ से बड़ा देवता इस धरती पर। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, कबीर साहब की नजर में तो हिंदू कोई है नहीं, न मुसलमान, उन्होंने सबको मानव कहा। लेकिन अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद। अब वेद ने चार देवता को माना, पहला मातृ देवो भव, दूसरा पितृ देवो भव, तीसरा आचार्य देवो भव और चौथा अतिथि, जिसमें सब सब आगे माँ को किया गया। माता तब पिता, सीता तब राम, राधे तब श्याम, उमा तब महादेव। इसलिए कि माँ का दिया हुआ तन है, यही तन लेके आप बैठा जाते हैं, जगन्नाथ धाम जाते हैं, काशी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। ये देह उसी का दिया हुआ है। तो जो जो शरीर दिया वो मेरा मालिक है, कि जिसका कोई लागत नहीं है शरीर पर, वो मालिक मेरा कैसा है? जिसकी पूजा में आप लगे, यही धर्म है आपका। धर्म आपका यही है, खाइए किसी का और गाइए किसी का। सब कुछ लिया माँ, नौ महीना कहाँ रहे, खून किसका पिए, पैखाना पेशाब कौन साफ किया, बोलिए इशारा करने वाला कौन है? है किसी का लागत? माँ के सिवा किसी का लागत है शरीर पर? तो देवता तो माँ है, माँ की सेवा पूजा होनी चाहिए। आज माँ पंच खोज रही है, आज माँ भीख मांग रही है, आज माँ के बदन पर साड़ी नहीं है, दुर्गा काली के लिए 55,000 का साड़ी आप खरीद के ला रहे हैं। क्या दुर्गा काली का लागत है इस पर पैसा? सरस्वती का लागत है एक पैसा? दूसरे देवता हमारे पिता, आपको पढ़ाया किसने? इंजीनियर डॉक्टर किसने बनाया? मकान कौन बना दिया? जमीन कौन खरीद दिया? आम का पेड़, अमरूद का पेड़ कौन लगा दिया? दूध खाने के लिए गाय भैंस कौन ला दिया? चढ़ने के लिए गाड़ी कौन खरीद दिया? इसमें है हनुमान जी का लागत, इसमें है राम जी का लागत, इसमें है कृष्ण जी का लागत, इसमें है महादेव जी का लागत। तो ये तो जगत गहिमान है, खाता है किसी का, गाता है किसी का। वो बाप बेचारा पाटन धोती पहन के मजदूरी करके, ठीका बटैया जोत के, मवेशी पाल के, क्या नहीं किया बेटा के लिए? आज वो बेटा बैनाम धाम जा रहा है, अब बाप बिया से मर रहा है। सब लोग विरोध करता है, कबीर पंक्ति के गाली देता है कबीर पंक्ति के। ये लोग किसी को नहीं मान, किसको माने? हम किसको माने? क्या हम माँ को माँ नहीं मानते? पिता को पिता नहीं, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं?
क्या हम धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानते? क्या हम सूर्य को सूर्य, चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानते? क्या गाय को गाय, भैंस को भैंस नहीं मानते? हम गोबर को भगवान मान लें, यही मानना है। मिट्टी को भगवान मान ले, पत्थर को भगवान मान ले, पानी को भगवान मान ले, अग्नि को भगवान मान ले, सूर्य को भगवान मान ले, चंद्रमा को भगवान मान ले, मानना है। सबसे बड़ा देवता माँ है, माँ के बाद हमारे देवता पिता। माँ ने तन दिया और पिता ने सारा तन दिया। और तीसरा देवता हमारे सदगुरु है। हम मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, ताड़ी दारू पी रहे थे, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग जर्दा किमाम खा रहे थे। हम चोरी बेईमानी कर रहे थे, हम नाली में पी के पड़े रहते थे, हम डंड जुर्माना देते थे, जेल जा रहे थे, समाज में मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। इन सारे पाप कर्मों से किसने निकाला? कोई भगवान निकाला? बताइए, कोई निकाला? ये सारी कृपा सदगुरु की है। जो भी सुधार हुआ है धरती तल पर, वो गुरु की कृपा है। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, अकर्ता करे जो कर न सके गुरु करे। गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिर दे तो बार बार, गुरु सिर दे तो बार बार। यही तीन देवता, और चौथा देवता भी कहा, अतिथि देवो भव। ये जितने बैठे हैं पंडाल के अंदर, चाहे माता बहने हो, चाहे ये संत लोग हो, ये सब प्रभु साहब के देवता आके बैठे, ये सब इनके भगवान आके बैठे, पति आके बैठे, इनका सेवा करना, इनका मान सम्मान करना, इनकी इनकी फर्ज। यही चार देवता वेद ने बताया, मातृ देवो भव। वेद कहाँ कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव। यही तो हमारे देवता है। साहब कबीर ने इसी देवता के बारे में बताया, यही धर्म है। माता की सेवा करना हमारा धर्म है, पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, और गुरु की सेवा करना हमारा धर्म है। इसलिए कि माँ ने तन दिया है, पिता ने धन दिया है, और गुरु ने ज्ञान दिया है। इसके सिवा बोलिए तो कोई दाता, कुछ देने वाला दाता कोई और है? राम जी कुछ दिए हैं? हनुमान जी का दिया हुआ कुछ है? कृष्ण जी का दिया हुआ कुछ है? ब्रह्मा विष्णु महेश का दिया हुआ कुछ है? लोग कहता है कभी पंथी किसी को मानवीय नहीं करता, बहुत खराब है कभी पंथी। यही मेरा धर्म है, यही मेरा नेचर है, यही मेरा गुण है, यही मेरा स्वभाव है। धर्म और है, माता पिता गुरु अतिथि श्रद्धा के पात्र है, इनके प्रति हम श्रद्धा रखें। और दूसरा धर्म हमारा सदगुरु कबीर का दिया हुआ है, पहला है श्रद्धा भक्त और दूसरा है प्रेमा। प्रेम किसके साथ? जितने मानव मात्र है उसके साथ हमारा प्रेम, चाहे वो कोई जाति से, चाहे वो अवर्ण हो सवर्ण हो, नीच हो ऊंच हो, छूत हो अछूत हो, गोरा हो काला हो, बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो, कुछ भी हो, वो मानव प्रेम का पात्र है। माता पिता गुरु श्रद्धा के पात्र, और मानव जितने धरती पर है वो प्रेम का पात्र है। वो साहिब कबीर की है, प्रेम कैसा? साहिब कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कहा पढ़ते पढ़ते जगत मर गया, लेकिन सतगुरु कबीर ने कहा पंडित नहीं नहीं। उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, उम्र 15-16 बरस का था, मैट्रिक में हम फेल लग गए। तई दोहा दशक आया हिंदी में, उसका ऊपर का मुख लाइन यही था, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो हम सोचे मन मन प्रेम तो पति पत्नी के बीच है, प्रेम तो गुरु चेला के बीच है, प्रेम तो साला बलवा के बीच है, प्रेम तो ससुर दामाद के बीच है, प्रेम तो देवर भाभी के बीच है, प्रेम तो ननद भाभी के बीच है, प्रेम तो भाई भाई के बीच है। अभी साहब कबीर कौन प्रेम की बात करते हैं कि आज तक पंडित दिलवे नहीं किया, उतना बुद्धि नहीं काम किया, मैया मैया बना बुद्धि नहीं लड़ाया। बाद में पता चला कि वास्तव में प्रेम है क्या। एक आदमी जैसे साहब जी का सत्संग चल रहा है, अब गांव के एक जाने माने व्यक्ति सत्संग में नहीं आए, तो इन्होंने कल होकर पूछा आप क्यों नहीं आए, तो इन्होंने कहा कि मैं एक पंचायती में चला चला। दो पंचायती कैसी, कहा एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। कहा तो भला बताइए प्रेम में पंचायती क्यों, प्रेम में पंचायती होगा कि झगड़ा लड़ाई, तो फिर लड़का लड़की में प्रेम हुआ पंचायती क्यों हुआ, सेवरी और राम के बीच प्रेम हुआ तो कभी पंचायती नहीं हुई, मीरा और कृष्ण के बीच में प्रेम हुआ तो कभी पंचायती नहीं हुई, राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच प्रेम हुआ तो कभी पंचायती नहीं हुई, तो फिर लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो पंचायती क्यों हुआ। अरे लड़का लड़की में अगर प्रेम होता तो पंचायती नहीं हुई, प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, राम और सेवरी का आत्मा का मिलन, मीरा और कृष्ण के आत्मा का मिलन, राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के आत्मा का मिलन हो गया, देह तू और आत्मा ये। वहां पंचायती का पूछा, जहां प्रेम है प्रेम निर्विकार है, प्रेम निर्भर है, प्रेम निर्मल है, प्रेम पावन है, प्रेम पवित्र है, प्रेम शुद्ध है, प्रेम में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, तृष्णा नहीं है, अहंकार का नहीं। सेवरी राम के बीच एक बच्चा भी नहीं हुआ क्यों, कि प्रेम प्रेम में बच्चा नहीं, प्रेम में वासना नहीं है, तो बच्चा कहां। सेवरी और राम के बीच तो आत्मा का मिलन, तो वहां बच्चा कहां से, बच्चा होता है देह के देह से मिलन होने पर, तो पति पत्नी में देह का मिलन है, आत्मा का मिलन नहीं है, पति पत्नी में है प्यार और राम से मिलने था प्रेम। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार, प्रेम और प्यार में धरती आसमान का अंतर है, प्रेम हुआ सेवरी और राम में, प्यार हुआ था लैला और मजनू में, उसी प्यार को हम उर्दू में मोहब्बत कहते हैं, वो लड़की फंस गई लड़का के मोह में, लड़का फंस गया है लड़की के मोह में, जहाँ प्यार होगा जहाँ मोहब्बत होगा वहाँ बच्चे भी होंगे, गाली गलौज भी होगा, मार पीट भी होगा, मामला फौजदारी भी होगा और बच्चे भी, लेकिन जहां प्रेम होगा वहां कुछ प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन और प्यार होता है देह से देह का। तुरंत में पति पत्नी में प्यार है, तुरंत दोनों हंसेगा बोलेगा खूब खुश से, और तुरंत में झापट चलना मुक्का चलना और गाली गलौज चलना दोनों प्राण पर सुन सुन। एक पतली नदी थी, वो नदी में दो मिर्गा मरा हुआ था,
अब दो संत जी सत्संग में जा रहे हैं, तो एक संत जी ने अपने साथी से कहा, संत जी और नदी सूखी हुई थी, हल्की बारिश हुई, कहीं कहीं गाय भैंसी के कूड़े में पानी लग गया था, बस इतना। तो एक संत जी ने अपने साथी से कहा, संत जी पानी है प्यासे नहीं न कोई मारा तीर, जखम कहीं दिखता नहीं कैसे तजा सरसर। कहा पानी तो है, लगता है मेरे का प्यास से नहीं मरा, अब कोई व्याधा ने तीर भी नहीं मारा, कहीं जखम भी नहीं, फिर मरा कैसे दोनों मिलकर। तो दूसरे संत जी ने कहा, पानी थोड़ा स्नेह धना लगा प्रेम का पान, तो पी करते करते दोनों तजा पर, इसका नाम प्रेम। एक मिर्गा कहता था अपने साथी से, ए भाई पानी कम है, तू के पी के बचो और मुझको मर जाने दो। दूसरा मिर्गा कहा, ऐसा नहीं होगा, तू पी के बचो और मैं मरूंगा, इसका नाम प्रेम। आज तो भाई भाई को कटवा रहा है 10-20 हजार, एक दो कटवा जमीन, प्रेम कहाँ? जो प्रेम की चर्चा सदगुरु कबीर करते हैं वो प्रेम किधर है? मानव से प्रेम करना यह हमारा धर्म है। गौर कर लीजिए, माता पिता गुरु की पूजा करना, सेवा करना हमारा धर्म है, और मानव से प्रेम करना, निर्विकार निर्भार निर्मल जहाँ कोई स्वार्थ ना हो, ऐसा प्रेम करना हमारा धर्म है। और तीसरा, जितने भी मानवेतर प्राणी हैं, अर्थात मानव योनि से नीचे की खानी में जीवन बिताने वाले वो पशु पक्षी, वो दया के पात्र हैं, उस पर दया करना कबीर की तीसरी बड़ी बात। वो सब आपके सहोदर भाई, कोई साथ भाई है, तुला भगत जी पांच भाई की छह भाई, छह भाई, कोई बहुत धनवान हो, कोई उससे कम हो, कोई उससे कम हो, कोई उससे भी कम हो, भाई तो छो है, अपना अपना कर्म से कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई धनवान कोई निर्धन, भाई तो छो है। उसी प्रकार से साहब कबीर ने कहा, अरे अजब जोला है चादर बीनी, सूत कर्म की तानी, सूरत निरत के भरनी दिना, तब सबके मन मानी चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी। अपना कर्म से कोई कुत्ता वाला चादर पाया है, कोई गीदड़ वाला, कोई सांप वाला, कोई औरत वाला, कोई मर्द वाला, कोई बाघ वाला, कोई सिंह वाला, कोई हाथी वाला, कोई घोड़ा वाला, कोई चींटी वाला, लेकिन सब के घाट में रहने वाला आपका सहोदर भाई है। अपना कर्म से कुत्ता वाला शरीर मिल गया, उस सब आपका सहोदर भाई है, और वो दया का पात्र, उसमें ज्ञान ज्ञान वो भोग जो नहीं पड़ा, उस पर दया करना आपका धर्म, धर्म पत्थर के पूजा कर लिए धर्म हो गया। पैर में हमको दर्द होते रहता है, इसलिए नीचे बैठ कर बंधुओं, प्राणी मात्र पर दया करना। आज लोग देख रहे हैं लाख के लाख मुर्गा पोसवा पोसवा के कटवा रहा है, कबूतर कटवा रहा है, बकरी कटवा रहा है, भेड़ी कटवा रहा है, मुसलमान लोग गाय भैंस। अब कहना चाहिए ना हमको, पहले हम अपने टेम रहे हैं, जब किस समय ऑर्डर मिले बंधुओं, अब फिर कल होगा सत्संग, अब ये ऑर्डर आ गया,
कल सवेरे 8 बजे से सत्संग का दूसरा सत्र शुरू होगा। आप लोगों से आग्रह है कि निश्चित समय पर पधारने का काम तो सब एक बात तो जरूर है कि गेहूं की कटनी चल रही है, उसको भी देखना भी जरूरी है। चूहे साल भर वही भोजन चलेगा, उसको भी देखना जरूरी है और उसे मौका मिले तो आ जाइए सत्संग। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूँ विराम। सब लोग सुखी रहे, सब लोग का जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ हो, सब कल्याण लाभ करे, किसी के जीवन में कोई क्लेश न हो, कष्ट न हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूँ।